कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक दिलचस्प बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मामा को विदा किया, यानी मध्य प्रदेश से मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की विदाई हुई है और अब देश से चाचा यानी नरेंद्र मोदी को विदा करना है। उन्होंने ग्वालियर में एक कार्यक्रम में कहा कि जब किसानों पर गोलियां चली तो उन्होंने संकल्प लिया था, जब तक प्रदेश से भाजपा सरकार को नहीं उखाड़ फेंकूंगा तब तक फूलों की माला नहीं पहनूंगा। आपने ताकत दी और मामा शिवराज सिंह को हटाकर मेरा संकल्प पूरा कर दिया। अब हमें नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स GST लगाकर छोटे से लेकर बड़े व्यापारी तक के कारोबार को चौपट करने वाले चाचा नरेंद्र मोदी को हटाना है। यह बदलाव आप ही करेंगे, मेरा खून और पसीना मिलकर आपकी ताकत बनेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।